धर्म को त्रास देने से तीन वस्तुओं का परिवार में जीवन में विनाश होता है, उसका स्मरण नहीं करेंगे। और धर्म में रत होने से तीन वस्तुएं बढ़ती हैं, ऐश्वर्य बढ़ता है जीवन में, मन बढ़ता है भगवत चरण में, और वंश के जीवन में संस्कार बढ़ता है। ये सत्कर्म करने का फल है। सत्कर्म सदैव जीवन में आनंद उपस्थित कराता है। आप जितनी बार सत्कर्म में गति करेंगे, हम जितनी बार सत्कर्म में गति करेंगे, हृदय आनंदित होगा, आह्लादित होगा। यहां क्या होगा इसकी चर्चा में नहीं, हृदय में आनंद उपस्थित होगा, क्योंकि भगवान सर्वकाल जीव के हृदय में रहते हैं। जैसे ही वो सत्कर्म करने जाता है तो उसके हृदय में आनंद की लहरें हिलोर लेने लगती है। और यज्ञ करने के बाद जो आनंद होता है, भगवत भजन करने के बाद जो आनंद होता है, भगवत कथा गाने सुनने के साथ जो आनंद होता है, वो अव्याख्य है। आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते। कह सकते हैं आया क्या है, आनंद आया, कितना आया नाप नहीं सकते आप। तो मनुष्य होने के नाते हमारा आपका कर्तव्य है, जितना हो सके जीवन में सत्कर्म की ओर बढ़ा जाए, सत्कर्म किया जाए। एक प्रश्न खड़ा हुआ, कल एक उत्सव में था, किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये धर्म क्या है? अब जानते तो सब हैं, परंतु जीव का स्वभाव है वो और अधिक जानना चाहता है। देखो आप, धर्म की शाश्वत अनेक परिभाषाएं हैं। कहीं परहित धर्म कहा गया है स्थान प्रधानता के अनुसार, प्रसंगानुसार, कहीं सत्य धर्म कहा गया है, कहीं दान धर्म कहा गया है, कहीं अहिंसा परम धर्म बताया गया है। परंतु मनुष्य के जीवन में यदि धर्म एक स्थान पे आ गया तो स्थान स्थान पर भी वो उपस्थित रहता है। धर्म की अपनी समय की निरपेक्षता है। एक ही व्यवहार दूसरे के साथ नहीं कर सकते, और हम आप इतने लोग बैठे हैं, सब एक धर्म का आश्रय नहीं कर सकते। सबकी अंतस चेतना और उसके संस्कार अलग अलग है, क्योंकि जीव अपने जन्मात्र संस्कार के अनुसार जगत में व्यवहार करता है। आप किसी को एक व्यवहार पर बाध्य नहीं कर सकते, तुमको ये करना चाहिए, नहीं कर, नहीं रुचि नहीं है तो नहीं करेगा वो। सबकी रुचि अलग है, और जिसकी जैसी रुचि होती है मनुस्मृति कहती है, वो उसी प्रकार के धर्म पद का आश्रय करता है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। कई लोग आप कहते रहिए वो तीर्थ नहीं आते हैं। हमारे एक सखा गोंडा में गए थे, गोंडा, तो उस गांव में एक बाबा से मिले, किसी कार्य से गए थे, तो उन्होंने पूछा उस हमारे सखा से कि भैया अयोध्या जी कैसी है। उन्होंने कहा बाबा आप अयोध्या नहीं गए? बोले ना, मैं 72 साल का हो गया, आज तक अयोध्या नहीं गया, गोंडा में घर है। गोंडा बगल में, कितना दूर है। ऐसे ऐसे सिद्ध लोग हैं, तीर्थराज प्रयाग में हम आप बैठे हैं, ऐसे ऐसे सिद्धों के दर्शन हो गए आपको कि अपने जीवन में निष्ठ हैं। वो क्या करते, परिवार में रहते, परिवार का सारा कार्य करते, सब लोग गए, वो अकेले नहीं गए। अब आप कहो आपको तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सबकी अलग अलग चेतना है, सबकी भावना चेतना मन रुचि सब अलग अलग है। बस अपने बारे में अपने से श्रेष्ठतम कोई जान सकता नहीं है। हमारा आपका यह कर्तव्य है कि हम अधिकतम भगवत चरण में लगे रहें। पहले तो मैं लोगों को टोक देता था, रोक देता था, अब हम मान लिए हैं कि ये जो कह रहे हैं तो सिद्ध पुरुष हैं, इसमें कुछ रोकना टोकना नहीं।
क्योंकि रोकने टोकने से मन खराब होगा, उनका कोई फायदा है नहीं। अब ऐसा कोई नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है जिसको ज्ञान न हो। जानते हुए भी जो व्यक्ति अनजान बनकर व्यवहार करता है वो आप काम है, उसको अपने व्यवहार में सिद्ध मानिए। हम आप जिस धरती पर बैठे हैं, यहां तीन धाराएं, मां का, सरस्वती जी का आना सहज नहीं है। माघ मास में ही वो क्षण मात्र के लिए किसी न किसी दिन उपस्थित होती है, या फिर वहां बद्रीनाथ में लहलाती रहती थी। यहां कह दिया गया तीर्थराज प्रयाग में उपलब्धता आपकी होगी, शांत रहो, लेकर करने दो, भगवान वेदव्यास ने कह दिया। तो यहां मां उपस्थित होती। सरस्वती ब्रह्मभाविक नदी है। यमुना मैया जो त्रिवेणी मैया में यमुना मैया आती है, वो कलिकाल के कर्म अकर्म विकर्म, किस प्रकार मनुष्य को कलियुग में रहकर कर्म करना चाहिए भगवत प्रेम हेतु, यह मार्गदर्शन करने के लिए ही यमुना मैया यहां उपस्थित रहती है। जीव मात्र को कैसे भगवत भजन करना चाहिए, भगवत भजन करना ही चाहिए, इसका प्रकाश देने के लिए मां गंगा जी तीनों पंक्तियों का एक बार स्मरण करिए। राम भगत जहां